हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पीरियड में सोने से पहले आप किस तरह से ये जान सकते हैं कि इस मंथ आपको कंसीव हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि सर्विक्स की पोजिशन को देख करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको इस महीने कंसीव हो चुका है। नॉर्मली जब पीरियड आपके मिस हो जाते हैं, पीरियड की डेट निकल जाती है, तो आपको एक हफ्ते का वेट करना होता है, क्योंकि सभी आपको डॉक्टर्स जो होते हैं वो यही बोलते हैं कि आपको एक हफ्ते बाद ही चेक करना है सही रिज़ल्ट के लिए। लेकिन इसके पहले अगर कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको देती है, तो क्यों ना आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, जिससे आप कुछ सावधानी बरत सकें। और आपने अगर कंसीव किया है तो वो आपका कंसेप्शन, आपका इम्प्लांटेशन फेल ना हो। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो पहले दिन से लेकर से 4 से 5 दिन तक आपके पीरियड्स रहते हैं, और नॉर्मली आपको कंसीव करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको पीरियड के 10 या 11वें दिन से इंटरकोर्स करने की सलाह देते हैं। और आपको पीरियड के 10 या 11वें दिन से इंटरकोर्स करना स्टार्ट करना होता है। इसके बाद आपको पीरियड के 22 से 23 दिन तक ही पीरियड की डेट से, ये ध्यान रखना है कि जैसे आपकी पीरियड की डेट 1 तारीख है, तो आपने 10 या 11 तारीख से इंटरकोर्स करना स्टार्ट किया है, तो आपको रिलेशनशिप में रहना है केवल 23 तारीख तक, 23 से 24 तारीख तक ही आपको रिलेशन में रहना है। कहने का मतलब है कि आपको पीरियड के जो डेट है उसके एक हफ्ते पहले आपको इंटरकोर्स करना बंद कर देना होता है, अगर आपको कंसीव वास्तव में करना है तो। क्योंकि अगर आपने कंसीव कर भी लिया है, तो अगर इम्प्लांटेशन का टाइमिंग चल रहा होता है और उस समय अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, तो वो इम्प्लांटेशन जो होता है फेल हो जाता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि सर्विक्स की पोजीशन को कैसे चेक करते हैं। देखिए, जब आपके पीरियड का टाइम आने वाला होता है, तो लगभग 2 से 3 दिन पहले आपका जो सर्विक्स का सर्विक्स होती है वो कुछ सॉफ्ट हो जाती है और ओपन होने लगती है, तो आपको लगता है कि आपका सर्विक्स ओपन हो रहा है, आपको पीरियड आ जाएगा, और कुछ वाटरी डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो ये तो पीरियड आने का भी सिम्टम्स होता है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब आप एक या दो फिंगर इंसर्ट करके उसे चेक करते हैं, तो जो सर्विक्स की पोजीशन होती है वो कुछ अंदर को हो जाती है। कहने का मतलब है उसका जो खिंचाव होता है वो ऊपर की ओर हो जाता है, बहुत डीप आपको इंसर्ट करने पर ही चेक हो पाती है सर्विक्स की पोजीशन, और सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है, और उसे जब आप फिंगर इंसर्ट करके देखते हैं, तो अगर आपने कंसीव किया है तो ही ये ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि आपको पीरियड मिस होने की डेट के पीरियड डेट आने से पहले आपको 2-3 दिन पहले कुछ हल्का वाटरी डिस्चार्ज सा होता है, और आपको जो सर्विक्स है उसका पोजीशन कुछ और डीप हो जाता है, ऊपर की ओर हो जाता है, जो कि बहुत फिंगर डीप इंसर्ट करने पर ही आपको चेक हो पाता है। इसके साथ ही अगर आपका जो पीरियड का 1 तारीख डेट है, तो अगर आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया है, तो आप चेक करेंगे कि 20 से 25 तारीख के बीच में आप चेक करेंगे कि जो आपके निपल्स हैं, इनमें भी कुछ टेंडरनेस आने लगती है, कुछ हल्का सा पेन सा शुरू हो जाता है। ये इम्प्लांटेशन के टाइमिंग होती है, इम्प्लांटेशन का ये सिम्टम्स होता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स का चेंजेस हो रहा होता है, तो इस कारण से आपकी कुछ बॉडी है तो वो कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको देने लगती है। तो आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि आपको इस टाइम पर इंटरकोर्स करना बंद कर देना चाहिए। जो पीरियड की डेट है उससे आपको एक हफ्ते पहले आपको इंटरकोर्स करना टोटली बंद कर देना चाहिए, अगर आपने कंसीव करना है तो। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि वास्तव में फील किए हुए हैं, और बहुत ही लाइट सिम्टम्स होते हैं। अगर इनको चेक किया जाए तो आप पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे तेज़ चलना, दौड़ना, भागना, या वेटेड चीज़ें, सामान उठाना, या इंटरकोर्स करना जैसी कुछ गलतियाँ होती हैं उन्हें आप एवॉइड कर सकते हैं। बहुत गर्म चीज़ों को भी खाना एवॉइड करना चाहिए, जिससे आपने जो इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हुआ है वो आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में चेंज हो जाए। तो अगर आप लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, तो पीरियड मिस होने के पहले भी आप सर्विक्स की पोजीशन को चेक करके ये पता कर सकती हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी हो सके।